आज हमारे साथ बहुत ही कर्मठ और जुझारू जो पिछले आंदोलनकारी भी रहे हैं और अपने राजनीति सक्रिय राजनीति को लेकर उषा नेगी जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं जी, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का उनको एक दायित्व सौंपी गई है। कल की 2 दिन पहले की बात है, ये सरकार द्वारा घोषणा किया गया और उस अपने दायित्व के लेकर कैसे देखते हैं इस तरीके के, खासकर जो अध्यक्षा बनाए गए इनको बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट है, इनको दायित्व है, उस किस तरह के निर्वहन करते हैं, आइए जानते हैं। सीधे हम ले चलते हैं उषा नेगी जी से। उषा नेगी, सर्वप्रथम आपको हमारे श्रमिक मंदिर स्टूडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। जो किस तरीके से देखते हैं आज का, जिस तरीके से आपका दायित्व सौंपा गया है, बाल संरक्षण की बात करें, बहुत जिम्मेदाराना आपका पदभार दिया गया है, इसको किस तरीके से चुनौतीपूर्ण कैसे पहल किया करेंगे इसमें? चुनौती तो है इसमें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। और हम क्योंकि अपनी आज जिस तरह से समाज में विकृतियाँ फैल रही हैं, उन सब विकृतियों को देखते हुए कि कहाँ ये कमी है, इन सब कमियों को हम लोग दूर करने के लिए और उज्जवल भविष्य जो आने वाली पीढ़ी है उसका बनाने के लिए, क्योंकि युवा भारत तभी होगा और सशक्त भारत तभी होगा जब हम बचपन से इन बच्चों को संस्कार दें, इन बच्चों के लिए हम लोग कुछ कार्य करें। उनमें अनाथ बच्चे हैं, आपके सड़क पर भीख मांगते हुए बच्चों को दयनीय स्थिति है, इसके साथ साथ में नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है और आज हमारा जो भविष्य है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन की बातें बहुत सारी आ रही हैं सामने कि क्यों इस तरह से नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को लेकर बाल संरक्षण आयोग का ये कार्य भी है और सबसे बड़ा कार्य है RTE के तहत। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है और हमारा ये इसमें ये रहेगा कि हम लोग बच्चों की स्वास्थ्य के साथ साथ में शिक्षा जो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब उनको आधुनिक शिक्षा से हम लोग रूबरू करवाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे, उनको उनके अंदर जीने की ललक पैदा करेंगे और उनको हम लोग ये बताएंगे कि आत्मस्वावलंबी बनने के लिए आपको पहले शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा एक बेसिक ज़रूरत है एक सही उनके भविष्य के लिए। तो हम लोग उस विषय पर काम करेंगे और कहाँ पे नशा जो इस तरह से पनप रहा है वो कौन लोग हैं जो आने वाली हमारी इन बच्चों को, भविष्य की पीढ़ी को इस नशे की तरफ ले जा रहा है, तो हमारा वो भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस नशे से कैसे अपने बच्चों को मुक्त कर सकें और इनको मुख्य धारा से जोड़ सकें। और खासकर मैं अनाथ बच्चों की भी बात करूंगी, कुपोषण की भी बात है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने खड़ी हैं। तो उन चीज़ों को जितने भी विभाग हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी, अपने संगठन के लोगों से भी अनुरोध करूंगी, अपने शासन और सरकार से भी अनुरोध करूंगी कि हमें इसमें पूरा सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अधिकारियों से लेके, कर्मचारियों से लेके और अपने सारे जितने भी संगठन हैं जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं काम कर रही हैं और अन्य लोग जो इसको लेकर चिंतित हैं, वो सारे लोग और आम जनता से भी अपील करूंगी कि आप मुझे इसमें सहयोग करें ताकि मैं एक इस जिम्मेदारी को निभा सकूं और अपने युवा पीढ़ी आने वाली भविष्य को सुधार सकूं। ऐसा नहीं है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता सभी अपने, क्योंकि वो भी संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं और सभी जो, मैं ये मानती हूँ कि परिवार कौन है, परिवार हम सब हैं, परिवार आपका भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके और हमारे वार्ड स्तर पर भी जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो हमारा परिवार है। तो परिवार की परिभाषा मेरे दृष्टि से तो यही है और सबसे बड़ा आंकलन यही होता है कि जब कार्य आप काम करते हैं तो तभी काम को वजूद मिलता है। आपने कुछ काम किया होगा तो संगठन ने उसको जिम्मेदारी के रूप में मुझे सौंपा है, सरकार ने मुझे सौंपा है और ये कहीं पर इस तरह से नहीं है कि ये परिवार के परिवार, मैं पूरे अपने संगठन को मानती हूँ। एक साल से अधिक हो गए, बहुत सारे महिलाएं, सक्रिय महिलाएं हैं, उस अपने पदभार पदग्रहण को लेकर दावेदारी पेश भी कर दिया है, लेकिन आज तक उनको इस मुकाम का कोई पदग्रहण पदभार नहीं मिल पाया। उसमें पहले एक महिला है, वो निकल के आती है, उषा नेगी जी, जो अपने बाजी मार ली, उसको कैसे देखेंगे? मैं इसको बाजी मारना नहीं कहती हूँ,
कि ये बाजी मारना हो गया, इसको इसको आप इस तरह से देखें। मैंने बार बार यही बात कह रही हूँ कि ये एक जिम्मेदारी जो दी है सरकार ने, सोच समझ कर दी है, संगठन की सहमति से दी है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और ये पद अभी खाली हुआ है, तो जहाँ पर संवैधानिक पद खाली हुआ है वहाँ पर उसकी उसको भरा गया, तो ये पद पहले इस वक्त खाली हुआ तो इसको भरा गया। तो ये अब मेरा सौभाग्य है कि इसमें मुझे काम करने का मौका दिया गया है और मैं इसको बाजी मारना नहीं। तो आपको लगता है कि उस पद के लिए जो खाली हुआ रिक्त पद था उसके लिए सब उपयुक्त आपको देखा गया संगठन ने, आपको लगा कि उषा नेगी ही इस पद के लिए सक्षम है? सक्षम सभी लोग हैं जो जो काम कर रहे हैं समाज में, संगठन में सक्षम। अब ये पार्टी का दृष्टिकोण है और ये सरकार का दृष्टिकोण है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष जी और इन सब लोगों का ही अपना देखने का वो है, हर एक को कहाँ पे किस तरह से जिम्मेदारी देनी है ये सब उनको निर्धारित करना होता है। आयोग की बात करें तो बहुत ही जो विभाग है उसमें मेन भूमिका आपकी ये भी होने वाली है कि उसमें जो मेन पावर है बहुत कम है, सूत्रों से खबर आ रही है। अब क्षेत्र बहुत बड़ा है, पूरा राज्य स्टेट आपके पास हाथ में है, तो किस तरीके से समावेश करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। तो सबसे मेन पावर की क्षतिपूर्ति जो है उसको कैसे देखेंगे, कैसे पूरा करेंगे? देखिए ये सरकार और शासन का विषय है और हम लोग अभी, क्योंकि मुझे कल ही मैंने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद में मैंने जो स्थिति 2-3 घंटों में देखी तो उससे मुझे लगा है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में मंत्रणा मैंने कल शाम को की है और उनसे इस बारे में कि मैन पावर की समस्या है हमारे सामने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे डिस्कस की हैं। और मुझे पूरी आशा है कि एक ये जो कार्य है बहुत नेक काम है और इस काम को हम करके एक बिल्कुल अलग इस आयोग का पहचान बनाएंगे और शासन, सरकार, प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपका जिला प्रशासन हो, जिस तरह से भी है, सभी लोगों के सहयोग से बेसिक शिक्षा है, इन सब लोगों को साथ में समन्वय करते हुए काम करेंगे। उन अधिकारियों से भी पूछेंगे कि आपने अपने विभाग में क्या किया है, किस तरह से है, उनको भी हम लोग अपने साथ में जोड़ेंगे तो मैन पावर हमको वहाँ से भी मिलेगी। मैन पावर की आवश्यकता है सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का कमी को पूरा कर लेंगे। लगता है कि जिस तरीके से शिकायत लोगों की आता है कि एक उम्मीद जग गई है कि एक संरक्षण बाल संरक्षण आयोग बनने के बाद काफ़ी जो अपनी समस्या लेके जाते हैं, तो आपको लगता है मेन पावर के साथ साथ बहुत सारी समस्या है तो किस तरह निपटारे का एक प्रक्रिया होता है? लोग इससे भागते हैं कि बहुत लंबा प्रक्रिया होता है उसमें जाने को उसे कतरते हैं लोग, वहाँ पे जाने के बाद लंबा टाइम प्रोसेस होता है, तो लगता है कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ऐसे बनाने से कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टाइम में इसको फैसला लिया जाए, उसके सोल्यूशन निकाला जाए? तो देख रही हूँ क्योंकि आयोग, ये जो आयोग है ये अपने आप में एक कोर्ट भी है अभी तक, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जो व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए थी कि वो कोर्ट में आए लोग बाग, हम लोग जो कल्प्रिट हैं और जो जो दायर करते हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, तो उन लोगों को भी आने का मौका नहीं मिलता, एक साधारण सी एप्लीकेशन दे देते हैं कभी पुलिस में कभी कहीं, तो उनको अभी तक कई चीज इस बारे में पता भी नहीं है कि क्या आयोग का के कार्य है। इसलिए आयोग का कार्य अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इनको अधिकार संपन्न है, ऐसा नहीं है, इसलिए अब चाहेंगे कि क्या नाम है, इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी करें, लोगों को के बीच में जाएं, उनको बताएं भी कि आयोग क्या कर सकता है, ये उन लोगों को जिस भी जगह पर जहां पर भी जो समस्या है वहां पर हम लोग कैसे निदान कर सकते हैं। तो उषा जी, लगता है कि इस तरीके से बाल संरक्षण आयोग के आज भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? ऐसा है कि क्या नाम है, जो निम्न तबके के लोग हैं उनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें एक हल्ला मच जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, या कहीं पे बड़ी जगह पे कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उस पर हल्ला मच जाता है और उसका समाधान कम होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये बड़ा मतलब गंभीर विषय है। मैं ये चाहूँगी कि क्या नाम है, जो इसके भुक्तभोगी हैं छोटे बच्चे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है,
जब बहुत सारे लोग उनको फोकस करते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो किसी तरह से, लेकिन उसका समाधान कुछ नहीं होता, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं वो नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से वो हो। उनको हम लोग वहाँ पर किस तरह से हम लोग उन बच्चों को एक अच्छे उसमें माहौल में ला सकें और उनको समझा सकें कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो उसको हम कैसे वो उनका समाधान कर सके और उन बच्चों को के दिमाग में भी ये चीज़ें ना आए, इसलिए हम लोग उसके लिए भी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरा ये वो है, क्योंकि जो मैं देखती हूँ कई बार बच्चे कुंठित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को सामने लाने की आवश्यकता है, तो वो बच्चे कैसे निर्भीक होंगे। तो उन बच्चों को की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स पैदा ना हो वो करने की ज़रूरत है, उसके लिए काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, वो हम करना चाहेंगे। दूसरा ये कि क्या निम्न वर्ग में आपके जो हैं बस्तियों में ऐसी घटनाएं बहुत घट जाती हैं, लेकिन वो दब जाती हैं, दबा दी जाती हैं, तो उन घटनाओं को भी हम लोग कैसे उजागर करें। ऐसे नहीं कि हम उसको प्रचारित करें, उसको बहुत गोपनीय तरीके से हम उनका समाधान करें, मेरा ये इसमें एक सोच है। आंदोलनकारी से राज आंदोलन बनने के बाद से आज तक के आपके सफर में जो भी कोई ऐसा एक घटना बताएं अपनी जिंदगी के बारे में जो आज तक भुला नहीं पाए आप। किस्मत ऐसी थी कि 2004 में मैंने अपना बच्चा खो दिया। बहुत ब्रिलियंट बच्चा था और बहुत पारिवारिक बच्चा था, उस बच्चे को खोया है। वो घटना मेरे जीवन में बहुत बड़ी थी और क्योंकि उसने मुझे हमेशा सहयोग किया और हमेशा उसने मुझसे कहा कि नहीं माँ, आपको कुछ करना चाहिए। उसका बहुत दर्द था, बहुत दर्द से उसको ये था, जब भी वो गांव जाता था तो गांव में जिस तरह से वो देखता था सब परेशानियों को, जिस तरह से बच्चे ताश खेल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख पहुंचता था। उसकी उसका बहुत ये था कि मैं भविष्य में कुछ बना तो मैं अपने गांव के लिए, अपने पहाड़ के लिए कुछ करूंगा। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी उसकी डेथ हो गई, तो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा वो दुखदायी स्थिति थी, उससे निकलना बहुत मुश्किल था। उसमें मुझे बहुत सहयोग किया सभी दलों ने, सभी दलों के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया, मानसिक रूप से भी, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बहुत वो करती हूँ, उन्होंने भी मुझे बहुत मानसिक रूप से सहयोग किया, चाहे वो एनडी तिवारी जी रहे हों, चाहे माननीय त्रिवेंद्र जी रावत रहे हों, और मेरे संगठन के लोग और मेरे दूसरे लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। लेकिन मॉरल सपोर्ट हमेशा मेरी बेटी का रहा और बेटी के साथ में मेरे बेटे का बहुत वो था और उस बेटे की एक सपना था, उस सपने को मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसीलिए मेरा एक रुझान था कि मैं इन बच्चों के लिए कर सकूँ, जिन बच्चों के प्रति उसकी एक बहुत वो थी, और इसीलिए मैंने अपने आंदोलनकारी बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ी कि मैंने अगर एक अपना एक बच्चा खोया है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब मेरे अपने हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। वो काम मैंने करने की कोशिश की और कभी काफ़ी हद तक सफल भी हुई और आज भी उस उनको लेकर संवेदनशील रहती हूँ और मुख्यमंत्री जी को बार बार खटखटाती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप इनके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करें। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब ये घटना भूली नहीं जा सकती है, उसकी कमी को मैं सब लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। ये थे हमारे आज के खास मेहमान, हमारे श्रमिक मंथ के खास प्रोग्राम आप दिल की बात में, उषा नेगी जी, जिस तरीके से अपने घटना के बारे में बताया और खासकर राजनीतिकरण को लेकर आंदोलनकारी होने के बाद तक, यहाँ तक पद ग्रहण तक, बाल आयु संरक्षक आयोग के अध्यक्ष बनने तक के सफर के बाद विस्तार से जानकारी दी। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। देखते रहिए श्रमिक मंथ का खास प्रोग्राम दिल की बात।